हेलो क्लास एंड हेलो स्टूडेंट्स। अभी देखिए, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि तरुण सर काफ़ी कुछ कंट्रोवर्शियल बोलने लगे हैं, मतलब विवादित बोलने लगे हैं। इससे थोड़े दिन पहले मैंने सिद्धू मूसेवाला के बारे में एक वीडियो डाला था। भाई, जो लोग मरते हैं उनको हम लोग आखिरी में यही बोलते हैं, मे योर सोल रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति दे। बहुत ही खराब लगता है। आज फिर पता चला कि एक सिंगर हैं के नाम से, बहुत ही खूबसूरत गाने इन्होंने गाए। भगवान इनकी भी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सवाल ये है, इतना पागलपन आखिर क्यों आ जाता है? अब न्यूज़ चैनल मैंने बदला देखने के लिए कि मेरे देश, हम लोग की कंट्री में हो क्या रहा है, कहाँ सूखा पड़ा, कौन गरीबी से मरा, कौन भूखमरी से मरा। अरे, मैं इस आलमबाग के एरिया से आया हूं, कितने लोग फुटपाथ पे पड़े पड़े मर गए। फिर एक न्यूज मिल गई, उसके बाद फिर से वो हाइप चालू। अरे, उसकी आत्मा को शांति दो, अब वो गया। सारे न्यूज चैनल, अभी आप देखिएगा, लड़के लड़कियों को गारंटी बता दूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सिंगर थे, इतनी अच्छी आवाज थी इनकी। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आया कि फिर हरेक के लिए क्यों नहीं किया जाता, हरेक के लिए क्यों नहीं। एक भी एक लड़का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बता दो जिसने फौजी के मरने पर डीपी बदली हो। लेकिन सुशांत के मरने के बाद सबने काली फोटो लगाई। अब किस मिट्टी के बने हैं हम लोग भाई, हिंदुस्तानी है कि नहीं? अब वो शुरुआत हो गई है, देखना। मैं आपको दावा दे सकता हूं मेरे बच्चों, इससे पहले कि आप कोई गंदा कमेंट करें यूट्यूब पर, इसको पहले आप जरूर देखिएगा आज कितने लोग लगाएंगे और कितने लोग डीपी बदलेंगे। अरे, आपका मन, सब कुछ सही है, लेकिन मैंने फिर क्या बोला, सबको फिर एक तरीके से लेके चलो, सबको लेके चलो। यूपी की जगहें बताऊं जहां सूखा पड़ गया, मेरे ही जानने वालों में बताऊं क्या क्या हो रहा है, मतलब आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं, ट्वीट हो रहा है उनके लिए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी फौजी के मरने पर किसी ने ट्वीट किया हो। तो बेटा, ये मेरा गुस्सा नहीं है, आप लोगों को जो समझना है सोचिए, लेकिन मैं तो इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूंगा। जब जब कोई मशहूर, भगवान ना करे सबको लंबी उम्र दें, जिस तरीके से ये सब लोगों के साथ हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति भगवान देगा। लेकिन आप इतना गजब तरीके से सब कुछ दीन दुनिया भूल के एक ही चीज को क्यों उठाने लगते हैं? आप सारे मुद्दे उठाइए भाई साहब। कुछ गांव में 3 दिन से पानी और बिजली नहीं आई होगी, और 3 दिन बहुत कम बता रहा हूं, वो मुद्दा नहीं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि कुछ न्यूज रिपोर्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के यहां छोड़ के, हिंदुस्तान की इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहां से छोड़ के वो कहां पर है, यूक्रेन। और क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये इमारत गिरी, यहां थोड़ी देर पहले बॉम्ब गिरा, और जो बॉम्ब गरीबी का यहां गिर रहा है। हम पेशे से रिपोर्टर नहीं है, करें क्या? अब सवाल यह है, इससे पहले कि कोई बकवास मैसेज करे मेरे वीडियो पे, तरुण सर और मेरे कई स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े हैं, उन्होंने एक एनजीओ को जन्म दिया आज से 6-7 साल पहले, बदलाव नाम के, समझ गए? लॉकडाउन के कुछ वीडियोस और इमेजेस देख लीजिएगा, 2400 घंटे सेवा करी है, भले मैं उतना नहीं निकल पाया, सच्चाई बता रहा हूं। गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज को पहुंचाना लोहिया तक, अपनी अपनी गाड़ियां बदल दी एम्बुलेंस में। बात करते हैं, के की डेथ हो गई, श्रद्धांजलि, धन्यवाद। अब आपका जो मन है आप कमेंट करिए, चाहे कुछ भी, मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच।